उपचुनाव के नतीजे आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री जी आज शायद किसी विवाह में शामिल हों, उनके चेहरे पर आज मुस्कान नहीं होगी, अच्छा नहीं लगता, लेकिन नहीं होगी, अब क्या कर सकते हैं। ये उपचुनाव जो 13 सीटों पर हुए, बहुत महत्वपूर्ण, हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव थे। दूसरी बार डेढ़ महीने में, एक महीने में समझ लीजिए, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता मजबूती से कुछ संदेश देना चाहती है। लोकसभा चुनाव में संदेश बहुत स्पष्ट था, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। अब एक महीना हो गया, लोगों ने देखा रवैया में कोई फर्क नहीं है, अभी भी वही ऐंठ, वही घमंड, वही अहंकार। फिर से एक संदेश दिया, उत्तराखंड में हम दोनों सीटें जीत गए, बद्रीनाथ की भी और मंगलोर की भी। हिमाचल में एक थोपा हुआ चुनाव, निर्दलीय 3 विधायकों से इस्तीफा लिया गया, उनसे इस्तीफा करवाया गया, हमारी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया, और जनता का पैसा एक थोपे हुए चुनाव पर बर्बाद करवाया गया। आप लोग उसको ऑपरेशन लोटस कहते हो, मैं उसको ऑपरेशन कीचड़ कहता हूं। ऑपरेशन वोटर्स सबसे बड़ा होता है, सबसे मजबूत जवाब देता है। हिमाचल में देहरा विधानसभा क्षेत्र में, नालागढ़ में हमें जीत हासिल हुई, हमीरपुर हम हारे हैं, लेकिन ये तीनों सीटें ऐसी हैं जिसमें असेंबली इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में इंडिपेंडेंट जीते थे, कांग्रेस नहीं जीती थी। इस बार कांग्रेस ने 3 में से 2 जीत ली, और अगर आप कुल मिलाकर 13 की 13 सीटों का आकलन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 मिली। द ट्रेंड इज वेरी क्लियर, इवन अर्लियर मैंडेट ऑल्सो इट इज नॉट इन फेवर ऑफ एनडीए, इट इज फेवर ऑफ इंडिया एंड इट इज नॉट फेवर ऑफ बीजेपी। ऑल टूगेदर विद द एनडीए पार्टी, ऑल पार्टी, मे बी आई मे बी रॉन्ग, बट वॉट एवर आई हार्ड आई कैम टू नो दैट कलेक्टिवली दे ऑल गॉट 46% वोट एंड इंडिया इटसेल्फ हैव गॉट 51% वोट। सो मैंडेट इज अगेंस्ट ऑफ देम एंड नाउ अगेन दे हैव स्टार्टेड द एजेंसी राज एंड दिस नए संहिता बिल, आई डोंट नो व्हाट दे हैव डन, इवन डॉक्टर्स आर अफ्रेड, जर्नलिस्ट यू मस्ट नो हाउ योर लाइफ इज ऑल्सो डेंजर फॉर दिस बिल, फ्रीडम इज एट स्टेक, एवरीबॉडी विदाउट एनी एविडेंस एनीबॉडी कैन बी विक्टिम्स ऑफ दिस बिल। फ्रॉम द बिगिनिंग आई एम टेलिंग दैट टू बॉयकॉट, टू सस्पेंड 147 एमएलए एमपी, यू पास दिस बिल नेवर डिस्कस्ड एंड देयर इज अ सिस्टम बिफोर इलेक्शन अप टू 6 months, इफ गवर्नमेंट डू द न्यू थिंग्स देन व्हेन द न्यू गवर्नमेंट कम्स दे कैन रिव्यू द सिचुएशन, बट आई विल रिक्वेस्ट देम अगेन टू रिव्यू द सिचुएशन बिकॉज क्रिमिनल लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन पुलिस डजंट नो हाउ द व्हिच आर द रूल्स आर चेंज, इवन लॉयर्स डजंट नो, इवन वी आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट विदाउट गिविंग एनी स्कोप to understand the bill, they have just passed unilaterally. It will affect the good governance, the judiciary, the legal fraternity, the police and all. अत्यंत पिछड़ी जाति का वोट का बंटवारा के लिए एक ही स्वजातीय को टिकट दे दिया गया। ये काम नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल के लोग
लोगों ने बड़ी साजिश के तहत अत्यंत पिछड़ी जाति को सीट को हराने का काम किया। ये जदयू के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी को छोड़ के सभी लोग प्रचार के लिए चले गए थे, सब नरेंद्र मोदी को छोड़ के, सीएम, डिप्टी सीएम, केंद्रीय सभी मिनिस्टर, कार्यकारी अध्यक्ष, बीजेपी का जो हार्डकोर वोटर था एक भी वोट जदयू को नहीं दिया। 10 वोट भी राजपूत समाज के लोगों ने जदयू को नहीं दिया। पहले भी जब चिराग जी लड़े थे तो जदयू को बीजेपी का वोट नहीं मिला था, आरजेडी को भी वो वोट नहीं मिलता। या दोनों आदमी से मैं जानना चाहूंगा कि पूरे देश में इंडिया की गठबंधन की जीत हुई, लोकसभा में भी बीजेपी हारी, हिमाचल से लेकर के सब जगह बीजेपी हारी, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में हम लोग बहुत मजबूती के साथ सरकार बनाएंगे, झारखंड में दोबारा हम लोग आएंगे। भाजपा का जो झूठ का राज चल रहा है बहुत दिनों से, धीरे धीरे जनता समझने लगी, और इसलिए 13 जो उपचुनाव हुए थे उनमें बीजेपी केवल 2 जीत सकी, 6 उसमें 10 इंडिया गठबंधन के हैं, और जो निर्दलीय है वो भी गठबंधन का समझ ले पप्पू यादव का है, तो वो 11 जो है वो सीटें हारे 2 जीते। ये इस बात का संकेत है कि कुछ राज्यों में जैसे हरियाणा में होने जा रहा है, महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा है और कुछ और राज्यों में चुनाव होने जा रहा है जल्दी ही, वहाँ हर जगह बीजेपी चुनाव हारने जा रहा है।